माँ को रोजा लग रहा है मुझे लगता है। कैफेटेरिया क्लोज हो चुका है, हजार भाई जबरदस्ती उससे मंगवा रहे हैं। इसको बराबर दुआ मिलती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिस बैन मामाज ब्लॉग। तो गाइस देखो, मम्मा यहाँ रेडी हो गए हैं, कुर्ता पैजामा पहन लिया, उसके ऊपर जैकेट पहन लिया है इसीलिए ताकि बाइक पर वाइट कुर्ता पैजामा ख़राब ना हो। और हम जा रहे हैं आज टाउन। टाउन में हमें किसी के इधर इफ्तारी की दावत है, मम्मा के फ्रेंड के इधर इफ्तारी की दावत है, वहाँ पर इफ्तारी खोल कर हम घूमेंगे, देखेंगे आज के दिन क्या क्या होता है। मम्मा रेडी? तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और अभी हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ पेस्ट्री लेकर जाए। वैसे तो यहाँ पर ही रहते हैं वो लोग, तो वो लोग मालपुआ फिरनी ये सब तो खाते ही रहते हैं, और कुछ अलग लेकर जाना चाहिए इसीलिए मैंने थोड़ा सा पेस्ट्री ले लिए। और मम्मा को रोज़ा लग रहा है मुझे लगता है, बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं। और अब हम बस पहुँच गए, हम 10 मिनट में उनके घर पहुँच गए। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं अजहर भाई के घर पर, और अजहर भाई यहाँ खड़े हैं, अजहर भाई हम लोगों को लेने आए, और एकदम 5 मिनट बचा है तब हम पहुँचे गाइस। तो इतनी अच्छी इफ्तारी बनाने के लिए थैंक यू, माशाल्लाह इतना अच्छा इफ्तारी बनाए। इफ्तारी के टाइम बात मत करो, खाओ, है ना। तो गाइस इफ्तारी हो चुकी है और हम मस्त बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मैं मम्मा को बोल रही हूँ थोड़ा नीचे राउंड लेकर चलो मुझे, हम राउंड मार के वापस आएंगे। और माशाल्लाह अजहर भाई का बेडरूम है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका घर अजहर भाई। और ये देखो, ये देखो मरियम को मम्मा अच्छे नहीं लगे लेकिन लग रहा है। हाँ अच्छे लगे तो फिर खिलाओ उसको अच्छे से मरियम। बाय। अजहर भाई के गोद से मरियम मम्मा के गोद में जाने बोल रही थी तो मम्मा ने मरियम को ले लिया है, अब उसको वापस अजहर भाई के पास जाना है, उसको मम्मी के पास जाना है। बच्चे कैसा गए, अपनी मम्मी पापा सबको पहचान लेते हैं 3 महीने से ही, माशाल्लाह। वाओ हैप्पी फैमिली। तो गाइज मैं अजहर भाई के घर पे आया हूँ, तो मैं अजहर भाई का एक बेडरूम दिखाता हूँ। इतना प्यारा बेडरूम है ना, ये देखो, ये बेबी का बेड है, और ये देखो इतना प्यारा है माशाल्लाह। और मैडम बैठे, और ये देखो अजहर भाई देखो एकदम, अजहर भाई को बोल रहा हूँ मैं वीडियो बनाना चालू कर, अजहर भाई नहीं नहीं ये देखो ये अजहर भाई। ओके और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा दो तुमको मैं, ये देखो इतना बड़ा कबर्ड है कि इसके अंदर ऐसा लगता है कि 10 लोग रहते, पर 10 लोग नहीं रहते, सिर्फ 2 लोग। हाँ ये देखो माशाल्लाह। और तुमको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, वो मैं खोल नहीं सकता, नहीं तो मैं दिखा देता, क्योंकि ये कॉकरोच इधर है ये देखो, तो मैं ये खोल नहीं सकता, पर तुमको दिखाता हूँ ये बाहर की बालकनी देखो। ओहो माशा, बाहर से कुछ दिखना ही है, और ये प्यारा घर है। तो इंशाल्लाह हम लोग भी ऐसे ही घर बनाएंगे, शादी तो हो गई है मेरी, जब मैं खुद का घर लूँगा तो मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे ही घर बनाऊँ। अजहर भाई ने इतना प्यारा घर बनाया कि मेरे को बहुत ही पसंद आया। मिसबा क्या बोलते हैं, वापिस कर लेंगे शादी तुमसे, है ना। तेरे घर के बारे में क्या बोलते हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा पहला वाला घर याद आ गया, है ना। उसमें भी इतना चौड़ा बेडरूम था, मजा आ गई। हां अच्छा, और अभी तो ये बेड से उतरो बाजू में दरवाजा है। हां अच्छा, पहले वाला पहले खा ले मेरे भी। हां तो ये अजहर भाई कुछ बता रहे हम लोग को, कुछ नहीं। और ये उनकी प्यारी वाइफ, ये देखो हसमुख एकदम हंसते रहेंगे तुम कभी भी देखो, और ये कभी भी छिड़ती रहेगी। तो गाइज हम लोग अभी नीचे आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे अजहर भाई की बिल्डिंग के, और अजहर भाई की बिल्डिंग में देखो माशाल्लाह इतना प्यारा स्विमिंग पूल है, देखो इतना प्यारा स्विमिंग पूल है, और ये पूरा वॉकिंग एरिया है, पूरा वॉकिंग एरिया है, देखो कितना प्यारा है। और सेम ये मिसबा की बिल्डिंग में ही है, पर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, अभी आपको और आगे दिखाता हूँ मैं। अभी हम लोग नीचे आए हैं बात करने, फिर वॉकिंग करने के लिए, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है। ओके मतलब अफ्तारी बहुत ज़्यादा कर लिया, तो खाना खाए, हम लोग वॉकिंग करना है, तो अभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे आगे।
तो गाइस ये बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा कि ये बिल्डिंग में टर्फ है। ओके, जो हम लोग हर जगह बुक करने जाते पर इधर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिल्डिंग के अंदर है, बहुत ही मज़ा आता है क्रिकेट खेलने के लिए। ऐसे को बैडमिंटन मेंटेनेंस 25,000, यहाँ बैडमिंटन भी है टर्फ भी है, बहुत ज़्यादा है। देखो ना प्यारा है इधर टर्फ, और ये देखो ना क्या हो रहे हैं कितने, और अजहर भाई बोल रहे कि 6 महीने का एक साथ आता है हम लोग को तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है गाइज इसका भी पेमेंट लग रहा है हम लोगों। और ये देखो ओहो, ये है बच्चे लोग का झूला, एकदम प्यारा मस्त, क्या प्यारा गाइस। इधर जिम भी है, इक्विपमेंट देखो ना प्यारा, जिम है इधर सोसाइटी जिम, बहुत ही प्यारा है, हर चीज़ है इधर जिम में, ट्रेडमिल इलेक्ट्रिकल साइकिल सीटर बाइक हर चीज़ है हर चीज़। तो गाइस ये हाँ अजहर भाई के बिल्डिंग का कैफेटेरिया है, और कैफेटेरिया बंद क्लोज हो चुका है, कैफेटेरिया क्लोज हो चुका है, अजहर भाई जबरदस्ती उससे मंगवा रहे थे मॉकटेल मंगवा रहे। तो ये कैफेटेरिया बहुत ही प्यारा है, मॉकटेल भी आ चुका है ये दूसरे का मॉकटेल ले रहे तो वैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं इनके बिल्डिंग के कैफेटेरिया में, मम्मा अजहर भाई और ये अफीफा दीदी, अफीफा अजहर भाई ने कुछ तो बोले काला वाला पानी था ना वो वाला लेकर आओ ऐसा करके, तो अभी कुछ काला ब्लू वाला तो बोले ब्लू कलर का पानी ही लेकर आओ, तो अभी वो एक मोहितो लेकर आ रहे ब्लूबेरी मोहितो, और वो ब्लू कलर का, तो अजहर भाई को वो ही चाहिए था तो गाइस ये हम लोग का बन रहा है मॉकटेल, ये ब्लू कलर का नहीं है हाँ, तो फिर हाँ रेड कलर है, तो ब्लू कलर बोले थे ना, वेरी ब्लास्ट है ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का ब्लू लोगो ना था, तो तू ब्लू वाला नहीं बनाया, ब्लैक वाला बनाया, यही बोले आपका हाँ। तो हम लोग ने ब्लू बेरी बोले थे, काला बेरी दिया है हाँ मिसबा, हम लोग अजहर भाई ने ब्लू बेरी बोले थे, काला बेरी दिया है, ये काला कट्टा दिया है देखो, और अजहर भाई ले भी लिया उससे काला कट्टा, बोले ब्लू बेरी के लिए लड़ रहे नहीं है, बोले जान दो लड़ते नहीं सोसाइटी अपनी, गाइस को वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है कि काला कट्टा पी गया। तो गाइस मम्मा खाना खाने बैठ गए हैं, मटन बिरयानी खा रहे हैं मम्मा, वाओ बेबी का कॉर्ड कितना अच्छा है गाइस, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत एक्साइट करती है बहुत ज़्यादा, मैं इसीलिए इसीलिए, और मम्मा देखो मस्त बैठ कर यहाँ पर बिरयानी खा रहे हैं अजहर भाई के साथ एकदम लगे हुए हैं। हेलो गाइस माशाल्लाह बहुत मज़ा आया हम लोग को अजहर भाई के घर पे, और हम लोग सब जा रहे हैं, गले में ईद मुबारक बोल, आओ हम लोग के घर पे उनको ही बोले, तुम भी मैं जिनका बोलूंगी उनको ही बोलेंगे दुआ करो, बोलो लाइक करो नानी को, नानी अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए हमको, इंशाल्लाह आओ भाई ना, अजहर भाई जब बुलाएंगे जब मैं आ जाऊंगा, काम धंधा छोड़ के जाना, आओ हाँ आओ लोगे घर पे, इसको बराबर दुआ मिलती चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, हेलो बन पुलाव खाने चलो, अल्लाह अल्लाह हाफिज बाय, वही मैं बोल रहा हूँ मैं भी यही सोच के, मैं आता हूँ।
दुआ में याद रखो भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। तो गाइज रात के बज रहे हैं 2 और मैं आई थी टेलर के वहाँ पर क्योंकि मेरे पैंट का मेजरमेंट देना था अभी, तो मैंने दे दिया है मेजरमेंट अभी और अरबाज़ आ रहा है बस अरबाज़ के साथ, फिर हम लोग घर निकलते हैं। तो गाइज अरबाज़ और अमतू रहे थे हमसे मिलने और अब ये लोग दोनों जा रहे हैं। चलो ब्रो, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल वापस। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। तो गाइज़ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में।